तो ब्लैकआउट होना एक बहुत आम चीज़ हो गई है, स्पेशली जिम में। भाई आप वेट उठाओगे, हैवी लिफ्ट करोगे, डेफिनेटली ब्लैकआउट हो जाता है। ऊपर से लोगों की डाइट ऐसी रहती है कि भाई ना तो ज़्यादा खाते हैं, वर्कआउट उनका रहता है बहुत अच्छा, तो ब्लैकआउट होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। बट ब्लैकआउट इज़ बहुत ख़तरनाक चीज़ नहीं है। ठीक है, ब्लैकआउट हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, आप कुछ सेकंड्स बाद रिकवर कर जाते हो, जो कि टोटली नॉर्मल है। थोड़ा सा पानी पियो, थोड़ा रेस्ट करो एंड यू विल बी फाइन। बट यहाँ पे एक चीज़ आती है कि बहुत लोगों को कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लड तक, हार्ट तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँचता, ऑक्सीजन नहीं पहुँचता। तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं होती जिम में। बहुत लोग को नहीं पता होता है भाई क्या करें, वो बस उठाते हैं उस आदमी को और जल्दी से देर रश टू हॉस्पिटल। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है बेसिक CPR। CPR आप सब जानते होंगे, हमने बहुत मूवीज़ देखी हैं, सब मूवीज़ में CPR इज़ बहुत कॉमन, बहुत नॉर्मल हो चुका है। तो बेसिक CPR मेरे हिसाब से हर इंसान को आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, क्या पता आप कभी किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो उससे। सो CPR, बेसिकली CPR का मतलब क्या होता है? CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रेजसिटेशन। जितना डिफ़िकल्ट नाम है उतना ही ईजी पूरा प्रोसेस है। तो बेसिकली CPR में हमारे दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है कंप्रेशन, जो यहाँ पे होता है, और दूसरा होता है माउथ टू माउथ, मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है सामने वाले की, तो हम लोग माउथ टू माउथ देते हैं। अब ये CPR होता कैसे है वो मैं आपको एक बार परफॉर्म करके बताता हूँ। अगर हम बात करें अपने CPR की, ये हमारे पास है जिंदा, हाथ और नीचे करो यार तुम सब तो ये है हमारे पास जिंदा लाश, बड़े जुगाड़ से व्यवस्था की गई है इसकी। तो बेसिकली CPR में, जैसे मैंने आपको बताया, टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है चेस्ट कंप्रेशन और दूसरा हमारा होता है माउथ टू माउथ। अब इनका जो रेशियो होता है, किस हिसाब से देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, माउथ टू माउथ कितना देना चाहिए, चेस्ट कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो वो कितना देना चाहिए। बेसिकली सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप राइट हैंडेड हो, तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप राइट हैंडेड हो तो बेसिकली आपका जो राइट हैंड होगा वो पहले नीचे जाएगा, उसके ऊपर आपका जाएगा लेफ्ट हैंड, क्योंकि उतनी ज़्यादा पावर, उतनी ज़्यादा स्पीड से आप उस चीज़ को कर पाओगे अगर आप राइट ही हो तो। अगर आप लेफ्टी हो तो आपका लेफ्ट हैंड नीचे जाएगा, उसके ऊपर आपका राइट जाएगा। ये थोड़ा सा चीज़ एक ध्यान में रखना। वैसे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पहले राइट रख रहे हो कि लेफ्ट रख रहे हो, अनटिल और अनलेस द प्रोसेस इज़ परफेक्ट। जहाँ पे हमारा चेस्ट होता है, जो कि है एकदम सेंटर में, हर्ट होता है, तो हर्ट के जस्ट ऊपर हमारा जाएगा ये हाथ राइट, उसके बाद ये रहेगी आपकी पोजिशन, यानी कि ये जाएगा हाथ, इसके ऊपर आपका दूसरा हाथ और यहाँ पे। और बेसिकली चेस्ट कंप्रेशन में आपको करना क्या होता है, हमें 30 कंप्रेशंस देने होते हैं, मिनिमम 30, यानी कि 1, 2, 3। और इसमें जो आपका फोर्स लगेगा ना, वो ऐसे पीछे बैठ के नहीं लगेगा, आपको पूरा आदमी के ऊपर आ जाना है, शोल्डर उसके ऊपर होंगे, आपके पीछे नहीं होंगे, रिलैक्स पोजिशन में नहीं, एक्टिव मोशन में होंगे, ताकि आप पूरा स्पीड से और पावर से दे पाओ। इसमें जो हमारी स्पीड रहेगी बैक टू बैक रहेगी, लाइक एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे करते 30 कंप्रेशंस आपको देने हैं। 30 कंप्रेशंस के बाद आपको माउथ टू माउथ देना है, टू ब्रीथ्स। उसके लिए गर्दन सीधी करो, तुम तो मर ही गए हो। उसके लिए सबसे पहला काम आपको जो करना है, अगर उसका जो हेड होगा नीचे होगा, साइड में होगा, आपको हल्का सा ऊपर करना है इसको, ताकि उसकी जो ये थ्रोट है पूरा ओपन हो जाए ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। हल्का सा ऊपर करेंगे, नाक आपको यहाँ से करनी है उसकी बंद, मुंह खोल के आपको माउथ टू माउथ टू ब्रीथ्स ब्लो करनी है, ताकि उसके पूरे चेस्ट तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुँच पाए। 1-2 बार आपने ये किया, उसके बाद फिर 30 कंप्रेशंस चेस्ट पे फिर करेंगे, उसके बाद आपको फिर टू ब्रीथ्स देनी है माउथ टू माउथ, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई उसको मिल पाए। जैसे ही आप उसको ब्रीथ दोगे, माउथ टू माउथ दोगे, उसका चेस्ट हल्का सा रेज करेगा। जैसे ही उसका चेस्ट हल्का सा रेज करे, इसका मतलब है कि हवा जा रही है, वहीं पे छोड़ दो, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ओवरफ्लो हमें नहीं करना है। पता चला वैसे बच जाता, लेकिन आपकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है। बेसिकली 30 कंप्रेशंस बैक टू बैक स्पीड होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, ये हल्के हल्के नहीं कि भैया ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फुल पावर आपको अपना पूरा 100% देना है उस पर। और उससे पहले मैं आपको दो चीज़ बता दूं कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कार्डियक अरेस्ट इज़ बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है हार्ट में, कुछ
गड़बड़ी आने की वजह से, वो होता है कार्डियक अरेस्ट। और जो हमारा हार्ट अटैक होता है वो होता है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता उस वजह से। सो दोनों केसेस में कोई भी केस हो, अगर भाई ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है आपके हार्ट तक, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ये दो टाइप के होते हैं CPR जो आपको देने चाहिए और दिए जाते हैं। 30 कंप्रेशंस होते हैं, 15 कंप्रेशंस होते हैं, 100 कंप्रेशंस पर मिनट भी होते हैं, दैट इज़ द बेस्ट। 30 कंप्रेशंस, फिर उसके बाद 2 माउथ ब्रीथ्स, फिर 30 कंप्रेशंस, फिर 2 माउथ ब्रीथ्स। जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक आप किसी को बोलो, या तो आप किसी हॉस्पिटल आपके आसपास होगा, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो। जब तक कि वो आएंगे यू माइट हैव सेव्ड अ सोल, अगर नहीं भी तो उसकी कंडीशन वर्सन नहीं होगी, शायद थोड़ी सी बेटर हो जाए। और बाकी वो लोग जब आएंगे, वो लोग अपनी AED होती है उनके पास मशीन, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर्स जो झटके देने वाली मशीन होती है, उससे काफ़ी चांसेस होते हैं कि भाई सामने वाला इंसान बच जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी इसमें, स्पेशली जो आपका शोल्डर मूवमेंट होगा रेस्ट पोजिशन में नहीं होगा, पूरा फुल फोर्स उसके चेस्ट की तरफ होगा। 30 कंप्रेशंस, फिर 2 माउथ ब्रीथ्स आपको देनी है। माउथ टू माउथ बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपका आर्टिफिशियल वेंटिलेशन का जो काम होता है वो करता है, जो वेंटिलेटर्स होते हैं वही होता है, बट आर्टिफिशियल ये वाली चीज़ है। बाकी अगर ये तो है, हो गई हम एडल्ट की बात, बाकी अगर हम करें चाइल्ड है कोई 10-12 साल का, तो उसको आपको इस तरह से नहीं देना है। उसका मूवमेंट होगा सिर्फ एक पाम से, जो आपका पाम है ये हाथ का, सिर्फ ये उसके चेस्ट पे जाएगा, और इससे आपको करने हैं 30 कंप्रेशंस प्लस 2 माउथ ब्रीथ्स। 2 से 5 माउथ ब्रीथ्स होते हैं, डिपेंड्स। बाकी अगर हम इन्फेंट की बात करें तो उसमें हम 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स का यूज़ करते हैं उसके चेस्ट पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत छोटा है। जैसे होता है भाई छोटा 2 से 3 फिंगर्स, उससे थोड़ा बड़ा है चाइल्ड है, तो हम लोग करते हैं एक हाथ का पाम, और एक एडल्ट है तो हम लोग प्रॉपर कंप्रेशन जो होता है फुल फोर्स वो करते हैं। सो ये हो गई बेसिक CPR की बात। बाकी इसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई हमारा जो चेस्ट कंप्रेशन होता है वो बेसिकली होता है कि आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो आपके चेस्ट तक, इसीलिए हम लोग करते हैं कंप्रेशन। पूरा CPR है, बहुत बेसिक CPR है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत ईजी है, 2-4 बार आप परफॉर्म करोगे आ जाएगा आपको। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाकी कमेंट करके बताओ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी को CPR दिया है, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि जहां आपको CPR देना पड़ा हो बट आपको नहीं आता हो, किसी इंसान को चाहिए हो लेकिन आपको नहीं आता हो, क्योंकि मेरे साथ तो ये काफ़ी बार हो चुका है, 3-5 बार। और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है उस वक्त, उसके टाइम काफ़ी टाइम बाद मैंने ये चीज़ सीखी कि भाई बेसिक CPR, बेसिक काफ़ी चीज़ें होती हैं। आई विल ट्राई टू टेल ऑन दिस चैनल जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए और मेरे हिसाब से डेफिनेटली पता होनी चाहिए आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाकी मिलते हैं आप सब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड, सी यू सून।